हेलो फ्रेंड, आज हम एलईडी वॉल का कस्टम बॉर्डर बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले फोटोशॉप जरूरत है। आइए शुरू करते हैं। फिल्म एंड वीडियो या हम कैबिनेट साइज फिल करेंगे 96 96। क्रिएट अभी कंट्रोल जे प्रेस करके एक नई लेयर बनाएंगे। राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, स्टॉप में साइज 1 रखना है, कलर ब्लैक रखना है, ओके करना है। उसके बाद एडिट में डिफाइन पैटर्न करना है और ओके कर देना है, देन उसको रिमूव करना है। उसके बाद क्रिएट न्यू दोबारा। अभी हम सोचते कि 20 पैनल विड्थ में, तो 96 × 20 1920, और 5 पैनल हाइट में तो 480। यहाँ टोटल एलईडी की विड्थ और हाइट फिल करनी है, 1920 और 480। अभी कंट्रोल जे प्रेस के न्यू लेयर और राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, पैटर्न ओवरले। पैटर्न में हमें सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट करना है, देन ओके। तो हमारा ये 20 विड्थ और 5 हाइट पैनल का ग्रिड बन गया। इसे हमने सेव करना है। पीएनजी 20 5 सेव करना है। उसके बाद अभी हमें उसी पैनल को ओपन करना है। 20 5 अभी हमने इसमें विंग्स बनाने हैं, सेंटर स्क्रीन बनानी है या कंसोल बनाना है, तो उसमें कैसे कस्टम हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें इस टूल को प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके हमें विंग्स को सिलेक्ट करना है, जैसे 5 पैनल का विंग्स लाइट में, 5 का लेफ्ट राइट दोनों में 5 5 हो गया। यहाँ हमें कलर फिल करना है पिंक। एटल डिलीट कंट्रोल डी। उसके बाद हमारा सेकंड पैनल 4 4 का हो गया। इसमें हमने कुछ अलग से कलर करना है, जैसे ब्लू, ओके। एटल डिलीट कंट्रोल डी। अभी हमारा ये पैनल फिर 5 का हो गया और 5। इसमें हमने को अलग से कलर फिल करना है, ये तो एंटर डिलीट कंट्रोल डी। उसके बाद हमारा फिर सिंगल का कुछ पैनल बनाते हैं। इसमें हम अलग से कुछ कलर करते हैं, ग्रीन, डिलीट कंट्रोल डी। उसके बाद हम लोग सेंटर स्क्रीन का कुछ ऐसा करते हैं, सेंटर स्क्रीन सिलेक्ट करते हैं, इसको हम शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये
मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूं। ताकि हर किसी के से फोटोशॉप नहीं भी आती, जो शुरू से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी इजी रहेगा, और ये बहुत ही इजी मेथड है। ये हमने सेंटर स्क्रीन सेलेक्ट किया, इसका हम येलो कलर करते हैं, आल्ट डिलीट कंट्रोल डी, और लास्ट में हम लोग कंसोल। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें आप कितने भी पैनल ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अल्ट डिलीट कंट्रोल डी, तो ये हमारा ग्रिड बन गया है कलरफुल। इसे हम सेव करते हैं, देन ओके। अभी कोई ग्रिड ओपन करते हैं। अब हमारा काम आता है कि हमें इसे इसमें कस्टम बॉर्डर बनाए, तो उसके लिए हमें ये वाला टूल लेना है, ये वाला। और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो पेन टूल फर्स्ट वाला क्लिक करना है, और इस ग्रिड को हमें जूम करना है। जूम इतना जूम करना है कि हमें सेंटर का जो बॉर्डर है वो दो पार्ट में नजर आ जाए। अभी यहां हमने फिल में जब फिल करना है तो हमें इसको ब्लैंक रखना है, और स्टॉक के अंदर हम लोग यहां से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम डबल क्लिक कलर चेंज कर सकते हैं, डबल ट्रिपल जो भी है, और कस्टम भी बना सकते हैं। अपना कुछ अलग से खुद बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग यही कलर लेते हैं, सिंगल कलर। और यहाँ से हम हमारे इसकी विड्थ और हाइट, हमारा बॉर्डर कितना है, क्या है चाहते हैं, उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद ये हमें अपना बॉर्डर डॉटेड में बनाना है, और स्मॉल डॉटेड में बनाना है, या सिंपल लाइन में बनाना है, तो ये लोग हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, फिर उसके यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया। हमने इसकी सेंटर की लाइन चूज करनी है, बिकॉज मैं तभी इसे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, और हमें ऐसे ही जूम कर लेना है। यहाँ सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हुआ, लास्ट एंड कॉर्नर लास्ट एंड दिस वन एंड एंटर। अब हम इसे स्मॉल करते हैं, और यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। जैसे ही बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं तो ये हमारा एक कस्टम बॉर्डर रेडी हो गया है। अभी हम इस बॉर्डर को जितना साइज बड़ा कर सकते हैं, जितना साइज छोटा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। और इसको यहाँ कलर से हम लोग कौन सा कलर चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं। इसमें डबल कलर का ऑप्शन है तो इसमें डबल कलर कर दे सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉर्डर रेडी हो गया। अभी हम इसे पीएनजी फाइल को सेव करते हैं, शोर पीएनजी। तो इस तरह से हम अपना कस्टम कोई भी बॉर्डर तैयार कर सकते हैं, और
अगर हम चाहें तो ये सिंगल सिंगल विंग्स का भी बॉर्डर तैयार कर सकते हैं, सिंगल सिंगल विंग्स का बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।